Just see her face where ever I look, she's standing in the crowd. हाँ भाई, तो ये कौन सी कहानी है? तो ये कहानी है हमारे नए ड्रोन की, जिसको उड़ाने हम काफी जगह गए थे, पर हमको ये जगह थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। एक मिनट बताते हैं। DJI Air 2S, तो फाइनली आपके छोटे भाई ने अपना खुद का ड्रोन ले लिया। थोड़ी मेहनत की कमाई से और थोड़े भाई के प्यार की वजह से आज ये आ पाया है, और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। बट अभी कुछ लोग तो रहे, अबे इसमें कौन सी बड़ी बात है बे, ड्रोन ही तो है यार। मेरे लिए तो बड़ी बात है, और इस बड़ी बात के पीछे एक छोटी सी कहानी है, और बड़ी बातें बिना कहानियों के होती नहीं है, तो जरा कायदे से सुनिएगा। तो आज से तकरीबन 4 साल पहले जब हम इस कैमरे की दुनिया में आए थे ना, तो जैसे सब सोचते हैं अपनी फील्ड में यार एक दिन हम ये करेंगे, तो उसी तरीके से हमने भी सोचा था यार एक दिन ड्रोन जरूर लेंगे। उतने टाइम घर के हालात भी उतने अच्छे नहीं थे कि मैं अपने घर पे बोल देता मम्मी मुझे एक ड्रोन लाके दो ना, और मम्मी मुझे ऐसे ड्रोन लाके दे देती। अच्छा मम्मी, हम तुमसे 2 साल पहले अगर कहते हैं ड्रोन दिलाने को, तो तुम क्या बोलती? अगलो का पढ़ाई वढ़ाई करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, और सच बताऊं ना तो मैं ड्रोन के यार काबिल भी नहीं था, क्योंकि यार ड्रोन उड़ाना एक स्किल है, वो कोई ऐसा खिलौना नहीं है कि किसी के हाथ में दे दिया और उसने उड़ा लिया और एक अच्छा टाइट शॉट निकाल लिया। हाँ, मजाक मस्ती के लिए अच्छा है, कोई उड़ा सकता है, बट एक प्रोफेशनल एक अच्छा शॉट निकालने के लिए एक स्किल लगती है, और उसके लिए लोग पैसे देते हैं, आपको पता है। और तब से मैं ये डे ड्रीम कर रहा था कि जिस दिन मेरा ड्रोन आएगा ना भाई, भाई जिस दिन अपना ड्रोन लेंगे ना, उस दिन भाई लखनऊ में नहीं उड़ाएंगे उसको, भाई पहाड़ों पर उड़ाने जाएंगे, कसम से बता रहा। और जैसे ही हमारा ड्रोन आया ना, मैं उसको तुरंत लेके निकल गया पहाड़ों पे, क्योंकि हम वो लड़के हैं जो सपने कम देखते हैं पर जितना देखते हैं सब पूरा जरूर करते हैं। तो इस नैनीताल ट्रिप में हमारे साथ 3 लोग, आपको मिलवाते हैं। अमन, अनुभव, दिव्यांश, और ये अनप्लान्ड सी ट्रिप सिर्फ ड्रोन के लिए। अ फ्यू आवर्स लेटर, तो कल रात को तकरीबन हम लोग 8-9 बजे तक अपने दोस्त के यहाँ रामपुर या रामनगर ऐसे कुछ जगह है वहां आ गए हैं। रामनगर नैनीताल से तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूर है, और हम रुके थे अपने दोस्त के यहाँ जिसका नाम है उत्कर्ष। और अभी सो के उठे, कल मैंने 250-250 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो थोड़ा पीठ पे मेरे दर्द भी हो रहा था, तो अच्छे से सो। तो ड्रोन की बात करने से पहले हम आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाएंगे जो कल रात को हम लोगों के साथ हुआ, मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक कि उसको शेयर करना बनता है। तो कल सीन ऐसा हुआ कि जब हम लोग वापस आ रहे थे तो एक रास्ते में पड़ा था जंगल, ठीक है, तो हमें लगा जंगल है, नॉर्मल है, आराम आराम से चलो, धीरे धीरे चलो। और मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि लोग बहुत तेज़ गाड़ी यहाँ चला रहे थे, और हम ही और दोस्त बिल्कुल 40-50 चल रहे थे। तो हमें लगा ठीक है आराम से चलेंगे। तो हम लोग अपने दोस्त के आए, तो हमें दोस्त ने बताया कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और यहाँ शेर, चीते, भालू। तो शिव भाई, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ तुम्हें शेर, चीता, भालू ये सब तुम्हें रोड पर मिलेंगे, तो रात में सेफ नहीं है। यार ये बात सुन के जो हम लोगों की बिल्कुल हालत ख़राब हुई, तो मैंने कहा यार चलो भगवान की कृपा से कोई दिखा नहीं। तो हम लोगों ने रात में प्लान बनाया, चलो खाना खाने बाहर चलते। तो भाई ने बोला सेफ नहीं है थोड़ा, चलें शिवा। मैंने कहा बिल्कुल चलो यार, इतनी दूर आया, देखा जाएगा। ये बात हमने कैमरे में थोड़ा हीरो बनने के लिए बोल दी थी, बट सच बताऊं मैंने और अनुभव ने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। हमें ये नहीं पता था कि यहाँ जंगल है। उसके बाद जब दोस्त ने बताया भाई, उसका जाने की हिम्मत, थोड़ा डर भी रहता, थोड़ा चौड़े में आके चल दिए। तो कल रात को हम लोगों को रास्ते में देखा पहली बार हिरन, और हिरन को देख के जो हमारी हालत ख़राब हुई थी भाई, मेरा तो पूरा चेहरा लाल पड़ गया था और मैं कांपने लगा था। बट अभी आप बोलोगे शिवा भाई हिरन ही तो देख लिया, कौन सा वहाँ शेर देख लिया? तो बात भाई इतनी सी कि वहाँ पे अगर हिरन है तो वहाँ पे बब्बर भाई भी तो होंगे, अगर हिरन की जगह शेर आ जाता तो ये ब्लॉग भी बनता। उस बात को सोच के हम लोग जो डर गए थे भाई, हम आपको क्या बताएं। अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप हमारे दोस्तों की तरह मुख से सुन लीजिए, हम आपको इनके मुँह से सुनाते कल हुआ क्या था, ठीक है? भाई कल क्या हुआ था ये बताओ भाई। हाँ कल क्या हुआ था? हाँ
मत तो पूछिए भाई। क्या देखा था तुमने भाई? हिरन देखा था, बारह सिंगा आग भाई, और उसके बाद मसूरी गए थे तो पहाड़ों पे जा रहे थे तो 40 के ऊपर जलाने नहीं दे रहे थे, और कल जो हमारे साथ हुआ उसमें सिंगा भाई 120 की रफ्तार से भगा रहे थे। काटा भी हो रहा था भी। जब इसने बोला बाहर खाना खाने चलते हैं, पर मेरे दिल में आया भाई जाना। अबे सनी में मैं यार ये बहुत रिस्क है, सोचो वो तो भाई हिरण था, अगर वहाँ जो लाइट जल रही थी वहाँ शेर बैठा होता, सब भगाए पड़े थे 140 120। अगर हिरण की जगह शेर आ जाता तो ये ब्लॉग। देखो भाइयों, हम थोड़ा बेवकूफ़ थे कि हमने पता नहीं लगाया, आप ये गलती मत करना भाई, और बाइक से तो वहाँ बिल्कुल भी मत जाना, ये एक छोटे भाई की सलाह। नाउ बैक टू द ड्रोन स्टोरी। अब सबसे पहला सवाल आता है कि ये ड्रोन मैंने क्यों लिया। इस ड्रोन को लेने की दो वजह। पहली, जीवन में सबको आगे बढ़ना है यार। मैंने पार्क से वीडियोस बनाना शुरू किया था और मैं तब सोचता था यार कभी मैं ड्रोन ले पाऊंगा, और मैं सबके पास में देखता था यार उनके पास भी ड्रोन है, इनके पास भी ड्रोन है, कब हमारे पास अपना ड्रोन आएगा। और गोविंद जी की करनी ऐसी हुई कि आज हमारे हाथों में ड्रोन है। दूसरी वजह है इसकी क्वालिटी, जिसको देख के मेरा दिल और आंखें दोनों बाहर आ गई। क्वालिटी से बात आती है इसके कैमरे की। तो हमें Air 2S में मिलता है 1 इंच का सेंसर, 5.4K 30fps वीडियो, 10 बिट रॉ, डीलॉग, 20 मेगापिक्सल के साथ फोटो, f/2.8। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया, हम आपको उड़ा के अभी दिखाएंगे कि आंखों को मतलब सुकून लगता है कि देखने में यार ये तो कोई पिक्चर क्वालिटी लग रही है भाई। अगर इसके बैटरी की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 34 मिनट उड़ेगा, बट सच बताएं 20 मिनट से ज़्यादा उड़ता नहीं है, और अगर आपने 20 मिनट से ज़्यादा उड़ा दिया तो आप अस्पताल जाने के लिए रेडी रही। दोस्तों हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि महंगा है, और थोड़ा अपने कमाई का, हराम का होता तो लगता नहीं, अपना है ना मेहनत का है तो थोड़ा यहाँ दर्द होगा। इस ड्रोन में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है वो है इसके सेंसर्स, मतलब चारों तरफ इसके सेंसर्स लगे हैं, और सेंसर्स काम क्या करते हैं तो जैसे ये ड्रोन हवा में उड़ रहा है और कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है तो वो बता देगा भाई ज्यादा हीरो नहीं बनो वरना अस्पताल जाना पड़ जाएगा। यार अवस्थी अभी इसमें सेंसर ना होता ना तो अभी पेड़ पे लड़ जाता, तो इसके सेंसर ने बता दिया कि भैया थोड़ा पीछे होला वरना ड्रोन लड़ जाएगा। तो ये चीज काफी ज्यादा हेल्प करेगी मुझे कि भाई अपना ड्रोन सेफ रहेगा। अब वो बात अलग है कि जानबूझ के आप उसमें करोगे तो फिर तो जाएगा ही। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ड्रोन का ज्ञान कुछ ज्यादा ही दे दिया है, तो अब हम आपको इस ड्रोन के कुछ शॉट्स दिखाते हैं जिसको देख के आंखों में मुझे तो सुकून लग रहा है, ठीक है। और इसको मैंने यहीं आसपास उड़ाया था, आपको बताते हैं। नैनीताल उड़ाया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और कैची धाम, वो नीम करौली बाबा जो मंदिर नहीं है जहाँ विराट कोहली गया, बस वहीं हमने उड़ाया था। और ये रहे आपके सामने वो सारे शॉट्स। यार अभी जस्ट मैंने ये वीडियो एडिट करके कंप्लीट करी है, और एक दिल में बहुत प्यारी बात आ रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं आखिरी में, कि आज भी मुझे याद है जब मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था, पहला, तो मैंने अपने दोस्त के फ़ोन मांग कर बनाया था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। और मैं सोचता हूँ कि एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब मैं सोचता था कि यार मेरे पास एक दिन ये होगा कि नहीं होगा, मैंने सोचा भी नहीं था, और ठाकुर जी की कृपा से आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं एक टाइम पे सोचता था कि यार कभी मेरे पास होगा। तो अगर आप भी वो वाली स्टेज पे हैं, उस जगह पे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा सा हार्डवर्क करो, है ना, अकेले, किसी के साथ नहीं, ये मत सोचो कि ये मेरा साथ देंगे वो मेरा साथ देंगे, कोई नहीं, सिर्फ भगवान और आप, ऐसे कर लो और काम करो, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। जो आप सोच रहे हो ना वो एक दिन आप जियोगे, जो मैं सोच रहा था आज वो मैं सब जी रहा हूँ। तो थोड़ा सा सबर, हार्डवर्क और भगवान के साथ कनेक्शन, ये बना के रखो, सब कुछ हो जाएगा। हरे कृष्ण। यार मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने ड्रोन, अपने बाइक्स का लोगों से बोलते हैं नाम बताना, तो मैं भी आपसे बोलूंगा कि आप मुझे कमेंट में इसका नाम
कुछ सजेस्ट करिएगा बढ़िया सा, जो मेरी पर्सनैलिटी जो इस पर शूट करे, ठीक है? आप बताइएगा कि इसका क्या नाम रख सकते हैं हम।